कहना है कि बिजली कंपनियां खुद मुनाफा कमा रही हैं और जनता की जेब में सेंधमारी कर रही हैं। कल तक तो डीआरसी बता रही है कि ड्यू टू अनएक्सप्लेन डिस्क्रिपेंसीज उसने इनसे डिस्कॉम से डिटेल्स मांगी है, क्लेरिफिकेशन मांगी है, ठीक है। और आज आप कह रहे हो कि 5% हम बढ़ाने जा रहे हैं फ्यूल सरचार्ज के ऊपर, तो बिल्कुल ही वाहियात, बिल्कुल ही गलत चीज है, अनबिलीवेबल है। मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता इसको किसी हालत में नहीं मानना चाहिए। किस प्रकार से दिल्ली सरकार इन बिजली कंपनियों और डीआरसी के साथ मिली भगत करके उनको फायदा पहुंचा रही है। 1 फरवरी से ये चार्ज लागू हो गया है, 3 महीने बाद इसको फिर से परखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद बिजली कंपनियों को बिजली महंगी करनी पड़ी है। NDPL, BRPL और BYPL तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए ये बढ़ोतरी लागू होगी। बिजली कंपनियां कहती हैं उन्हें घाटा है, बीजेपी कहती है घाटा नहीं सरकारी मिलीभगत का घोटाला है, लेकिन आम जनता के लिए ये महज मुद्दा नहीं, महंगाई का ऐसा तमाचा है जो लगातार पड़ रहा है उनके गाल पर और तोड़ रहा है कमर। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक।